नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर कस्बे में सीआरपीएफ की पार्टी पर आतंकी हमला हुआ है। एक जवान शहीद हो गया और 3 जख्मी हुए हैं, इनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। आतंकियों की फायरिंग की चपेट में आए एक नागरिक की भी मौत हो गई है। मारे गए व्यक्ति के साथ उसका 3 साल का बच्चा भी था। सुरक्षा बलों ने बच्चे को गोली लगने से बचा लिया है। इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्स पर हमले की 6 दिन में यह दूसरी घटना है। इससे पहले शुक्रवार को अनंतनाग के विजयवाड़ा में सीआरपीएफ की पार्टी पर अटैक हुआ था, उसमें एक जवान शहीद हो गया और 5 साल के बच्चे की भी मौत हुई थी। यह जानकारी जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने मंगलवार को दी। उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकियों में 70 हिजबुल मुजाहिदीन के, 20 लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के थे, बाकी दूसरी आतंकी संगठनों के थे। डीजीपी के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकियों के लॉन्च पैड सक्रिय हैं, वहां से भारत में आतंकी भेजने की लगातार कोशिश की जा रही है। देश दुनिया की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।